बच्चों, आज मैं आपको संत कबीर की कहानी सुना रही हूँ। बनारस में श्री संत कबीर जी रहते थे। उनकी बहुत चलती थी, लोग बाग उनको बहुत मानते थे। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे, लेकिन बनारस के पंडित कबीर से बहुत ही ज़्यादा चढ़ते थे। उनको लगता था कि कबीर ना मेरा बोलिए ले रहा है पद, और है जात का जुलाहा, और बनारस में पंडित के नाम से विख्यात हो रहा है। अतः सारे पंडित कबीर जी से चढ़ने लगे। एक दिन सब पंडितों ने सभा की और योजना बनाई कि कबीर को नीचा दिखाना है। अतः उन्होंने पूरे बनारस में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज कबीर जी के यहाँ भंडारा है, आज कबीर जी के यहाँ भंडारा है। सब लोग जमात की जमात कबीर जी के यहाँ जाने लगे। तो भीड़ देखकर कबीर जी ने एक व्यक्ति से पूछा कि हे भाई, तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, चलो चलो, आपको नहीं मालूम जुलाहा कबीर के घर आज बहुत बड़ा भंडारा है। कबीरदास जी ने कहा, आज तो अब हो गई हमारी अच्छी धुनाई, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और ये सब लोग वहाँ जा रहे हैं। कबीरदास जी चुपचाप वहाँ से खिसक लिए और जाके अपने घर के सामने की झाड़ी के पीछे छिप गए, और वहीं छिपकर सब नज़ारा देखने लगे। अब क्या करें भगवान, अब क्या करें, हमारी लाज आपके हाथ में है। हे प्रभु, हमारी लाज आपके हाथ में है। कबीरदास जी थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि लोग वहाँ आने लगे और चटाइयाँ बिछने लगीं, उस पर जमात की जमात बैठने लगी, पत्तल परसी जाने लगी, और उसमें लड्डू मिठाई परसी जाने लगी। थोड़ी देर में दोना परसे जाने लगे। दोना में बहुत सारी खीर, सब्जियाँ, तरह तरह के व्यंजन परसे जाने लगे। कचौड़ियाँ परसे जाने लगीं, पूड़ी परसे जाने लगीं। कहाँ से परसने वाले आ रहे थे, कहाँ से पत्तलें आ रही थीं, कहाँ से पानी आ रहा था, कहाँ से लोग आ रहे थे। बस ये मालूम था कि सारी बनारस की जनता आज हमारे यहाँ भोजन करने जा रही है, और जनता आती जा रही थी, परसने वाले परसते जा रहे थे, खाने वाले खाते जा रहे थे, जाने वाले जाते जा रहे थे। सबको दक्षिणा देने के लिए एक पंडित जी बैठे थे, और एक पंडित जी सबको टीका लगा रहे थे। सब लोग को टीका लगता और दक्षिणा मिलती, और सब लोग खाना खा के जा रहे थे। जब 15-20 जमातें उठ गईं और लोग बागों का भीड़ कम नहीं हुई, तो कबीरदास जी ने कहा कि चलो भैया, अपन भी चुपचाप जाके भोजन तो कर ही लेते हैं। और कबीरदास जी गए और चुपचाप मुँह ढक के और भोजन कर लिया। भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था। कबीरदास जी भोजन करके दक्षिणा लेकर और आकर और उसी झाड़ी में छिप गए। सुबह 12 बजे से लेके और रात 11 बजे 12 बजे तक उनके यहाँ भंडारा चलता रहा। कबीरदास जी चुपचाप अपनी सांस रोके उसी झोपड़ी में बैठे रहे। जब सब लोग खाना खा के चले गए और पत्तलें उठ गईं, भंडारा समाप्त हो गया, तब कबीरदास जी गए और अपने प्रभु के चरणों में घर पर जाके लेट गए और कहने लगे, हे प्रभु, आज आपने मुझे बचा लिया। सुबह जब वो उठे तो जहाँ से भी जाते सब लोग कहते, कबीरदास जी बहुत अच्छा भंडारा था। कबीरदास जी कह देते, जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा। सब लोग कहते, देखो तो इतना बड़ा भंडारा करने के बाद भी कबीर के चेहरे पर शिकन नहीं है। पूरे बनारस में कबीर कबीर नाम गूंजने लगा, और जो भी उनसे कहता कबीरदास जी हाथ जोड़कर कह देते, जैसी हरी इच्छा, जैसी हरी इच्छा। हम क्या जाने, जाने हमारे हरी जाने। भगवान को बड़ा अच्छा लगा और कबीरदास जी की भी इज्जत रह गई। अगर भगवान का सच्चे मन से अपन पूजन करो, अर्चना करो, तो भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं, और उनको आकर जैसे कबीर के घर में आकर कबीर की लाज बचाई, वैसे ही अपने भक्त की लाज बचाना पड़ती है। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और मेरे उत्साह को थोड़ा सा बढ़ाइए।